Dear students, in our geology lecture series, this is the fifth lecture. So today I am going to discuss the phylum Arthropoda, and among phylum Arthropoda, I am going to discuss the morphology of Trilobita, class Trilobita. So first of all, I will discuss some important points regarding phylum Arthropoda. What is phylum Arthropoda? Artho means jointed, poda means foot. Phylum Arthropoda ka foot jointed segments mein paya jata hai, jointed hote hain. Pure body kuch segmented features mein hota hai, elongated and segmented. I am discussing some important point regarding Arthropoda. Arthropoda means, artho means jointed, poda means foot. Iski body ka feature elongated or segmented hote hain. Iske baad hum discuss karenge isi Arthropoda phylum ki class Trilobita. Morphology of class Trilobita. Class Trilobita. Phylum Arthropoda में आपकी सिलेबस में Trilobita क्लास की मॉर्फोलॉजी स्टडी करें. So this is one of the graphical representation of class Trilobita. एक Trilobita की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. Trilobita में एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर इस इनवर्टिब्रेट्स को थ्री लोब्स में डिवाइड हुआ है, इसीलिए हम इसको Trilobita कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ट्राई मीन्स थ्री, लोब मीन्स लोब्स, बेटा मीन्स पीसेस. दिस इज अवर एंटीरियर सेक्शन, दिस इज अवर पोस्टीरियर सेक्शन. सो एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक Trilobita को थ्री लोब्स में डिवाइड हुआ है, इसीलिए हम इसका नाम Trilobita कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्राई मीन्स थ्री, लोब मीन्स लोब्स, थ्री लोब्स में डिवाइड हुआ. फॉर एग्जाम्पल, ये एक लोब्स, दिस इज द सेकंड वन एंड दिस इज द थर्ड वन, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर Trilobita. इसी Trilobita में एक एक्सियल लोब है, अनदर इज प्लूरल लोब. इसी Trilobita में एक्सियल लोब सेंट्रल लोब, इस सेंट्रल वाले पोर्शन को हम एक्सियल लोब कहते हैं. एक्सियल लोब, दिस इज अवर एक्सियल लोब, यह हमारा एक्सियल लोब हुआ, सेंट्रल वाला पोर्शन एक्सियल लोब. प्लूरल लोब इस एडजेसेंट वाले लोब्स को और इस एडजेसेंट वाले लोब को हम प्लूरल लोब के नाम से जाना जाता है. दिस इज अवर वन ऑफ द प्लूरल लोब, प्लूरल लोब. सो ये चीज क्लियर होगी कि क्यों Trilobita कहा जाता है. अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, Trilobita के रिगार्ड, ट्रांसवर्स डिवीजन में भी इसको
डिवाइड किया गया ट्रांसवर डिवीजन, इसके पार्ट्स को डिवाइड किया ट्रांसवर डिवीजन थ्री पार्ट्स में, फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज द थर्ड वन, सेफेलोन। सेकंड वन इज थोरेक्स, द थर्ड वन इज पाइजीडियम। डायग्राम पे भी दिखाया गया, इस सेक्शन को हम, इससे पहले हमने डिवाइड किया ट्रायलोबेटा को थ्री पार्ट मींस पोस्ट एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर तक, उसमें इस बीच वाले सेक्शन को हमने एक्सियल लोब से रिगार्ड किया, साइड वाले सेक्शन को प्लूरल लोब। अब उसके बाद हम एक ट्रांसवर डिवीजन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूम डिवाइड करते हैं सेफलोपोडा, उस ट्रांसवर डिवीजन में एक सेक्शन को हम सेफेलोन कहते हैं, इस वाले सेक्शन को जो हमारे हेड की सेक्शन है, हेड सेक्शन, दैट इज नॉन सेफेलोन। अनदर पार्ट इज थोरेक्स, बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे सेक्शन को, इस पूरे सेक्शन को हम थोरेक्स कहते हैं, जिसको मेन बॉडी सेक्शन भी कहते हैं। This is the cephalon means head section. Now this is the thorax, that means main body section. And the third one is pygidium tail segment. Pygidium tail segment. अब रही बात the last वाली section जिसको हम pygidium या tail section कहते हैं। यह वो transverse division cephalon नहीं, trilobita के regard. So, एक डिवीजन इंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर तक, पहले भी रिपीट किया, थ्री लोब्स में डिवाइड हुआ, सेंट्रल पार्ट को एक्सियल लोब और साइड से टॉप लोब्स पाए जाते हैं, इनको हम प्लूरल लोब कहते हैं। अब आफ्टर द ट्रांसवर डिवीजन की बात करें, ट्रांसवर्ली बॉडी डिवाइड, उसी ट्रांसवर डिवीजन में हेड पार्ट को हम सेफेलोन से रिगार्ड करते हैं, मेन बॉडी पार्ट को थोरेक्स और टेल सेक्शन को पाइजीडियम कहते हैं। Now after that, exoskeleton को हम carapace कहते हैं, body को exoskeleton cover करते हैं, इसको carapace कहते हैं। For example, पूरी हमारी body है trilobita की, इसके बाहर से एग्जोस्केलेटन होते हैं कैल्केरियस, उसी एग्जोस्केलेटन को हम कैरेपेस कहते हैं, जो फॉसिल की फॉर्म में प्रिजर्व रहता है। उसके बाद सेफेलोन और पाइजीडियम, मैं सेगमेंट्स की बात करूं, थोरेक्स, क्रियन मुएब, मैंने पहले ही बताया आर्थ्रोप्रोडा का पूरा बॉडी सेगमेंटेड पार्ट्स में पाए जाते हैं, सेगमेंटेड पोर्शन से बनी हुई है, क्योंकि ट्रायलोबेटा क्लास से आर्थ्रोप्रोडा का, सो ट्रायलोबेटा भी सेगमेंटेड, पूरे बॉडी सेगमेंटेड। अब सेफेलोन वाली पोर्शन और पाइजीडियम वाली पोर्शन की जो सेगमेंट्स है वो फ्यूज, मूवेबल नहीं, मूव नहीं हो रहे, जबकि थोरेक्स वाला सेगमेंट, इस पोर्शन वाले सेगमेंट, थोरेक्स वाले पोर्शन के सेगमेंट्स फ्री एंड मूवेबल है। दैट मींस ये हमारे सेफेलोन वाला सेक्शन, दिस इज द पाइजीडियम सेक्शन, एंड इसकी सेगमेंट्स फ्यूज्ड और इमूवेबल, और जबकि थोरेक्स वाला सेगमेंट फ्री एंड मूवेबल। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे थ्री मेन ट्रांसवर डिवीजन, दैट इज सेफेलोन, थोरेक्स,
थोरेक्स एंड पाइजीडम, इनको वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले सेफेलॉन से, पहले ही बताया दिस इज द सेफेलॉन अमंग द ट्रांसवर डिवीजन, दिस इज द थोरेक्स और मैन बॉडी, दिस इज द पाइजीडम और टेल सेक्शन। सो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे सेफेलॉन, इस वाले सेक्शन सेफेलॉन जिसको हम हेड भी कहा जाता है। नंबर वन सेफेलिक शील्ड एक है, सेफेलिक शील्ड अभी बता दे रहा हूं मैं, व्हाट इज सेफेलिक शील्ड। इस पूरे वाले हेड सेक्शन को जो सेफेलॉन को इनक्लोज करते हैं, इनको हम सेफेलिक शील्ड से जाने जाते हैं। इस पूरे वाले सेक्शन को दैट इज नॉन एज सेफेलिक शील्ड। अब सेफेलॉन के सेगमेंट्स की बात करें, सिक्स फ्यूजिक सेगमेंट्स, सिक्स क्यूजिट सेगमेंट से बनी हुए सेफेलॉन, सिक्स सेगमेंट्स के बनी हुए सिक्स बट फ्यूजिट सेगमेंट्स। पहले बताया पाइजीडियम और सेफेलॉन फ्यूजिट सेगमेंट से बनी है, जबकि थोरेक्स मोबिल या प्री वाले सेगमेंट से बनी है, सिक्स फ्यूजिट सेगमेंट से बनी है। एक मीडियन पार्ट को हम गैलेवेला भी कहते हैं, जबकि लेटरल पोर्शन को चीक्स कहते हैं, लेटरल पोर्शन को हम चीक्स कहते हैं। मैं समझा दूंगा डायग्राम पर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे सेफेलॉन को मीडियन वाला सेक्शन से, इसको गैलेवेला कहते हैं, जबकि लेटरल, इन लेटरल सेक्शंस को चीक, चीक भी टू टाइप्स के, एक प्री चीक्स जो थोड़ा बहुत फिक्स्ड चीक के ऊपर प्रीली मुंह होता, जबकि फिक्स्ड चीक जो फिक्स रहते हैं फ्री मूवमेंट नहीं होता, और इन्हीं प्री चीक्स के ऊपर कुछ आई जैसे पोर्शन से पाए जाते, इसको हम आई कहते हैं, आगे डिस्कस करूंगा। उसके बाद एक्सियल फर्रो, इस गैलेवेला या मीडियन वाले सेक्शन को लेटरल पोर्शन या चीक से जो पोर्शन डिवाइड करते हैं उसको एक्सियल फर्रो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे एक्सियल फर्रो हुई जो इनको डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारे एक्सियल फर्रो हुए जो गैलेवेला और मीडियन सेक्शन को फ्री चीक से डिवाइड करता है, एक्सियल फर्रो। उसके बाद गैलेवेला फ्री गैलेवेला लूप से बनी हुई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर मीडियन सेक्शन और गैलेवेला, एंड दिस गैलेवेला इज फॉर्मड बाय थ्री गैलेवेलर लूप्स। फॉर एग्जाम्पल दीस आर थ्री लूप्स। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स था सेफेलॉन के बारे में। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग दिस सेफेलॉन। वी आर डिस्कसिंग द मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्राइलोबीटा अमंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। हम चीक्स को डिस्कस करेंगे, चीक्स डिवाइडेड है फेशियल सूचर्स। फ्री चीक्स और फिक्स्ड चीक्स, फ्री चीक्स, इन्हीं फ्री चीक्स को हम लिब्री जेना भी कहते हैं, लिब्री जेना। फ्री चीक्स की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड चीक, फिक्स्ड जेना, फिक्स्ड चीक। फिक्स्ड जेना पहला ही बताया, हमारी चीक्स जो लेटरल पोर्शन ऑफ सेफेलॉन को कहते हैं ये डिवाइड हुआ है, वन इज फ्री चीक, अनदर इज फिक्स्ड चीक। फ्री चीक दैट मींस जो मूवेबल, फ्रीली मूव होता है,
हम इनको लिब्रीजेना के नाम से भी रिगार्ड करते हैं, जबकि फिक्स्ड चीज जो फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, इसको हम फिक्सिजेना के नाम से डिवाइड। अब ये फ्री और फिक्स्ड चीज को जो पोर्शन डिवाइड कर दो उनको हम फेशियल सूचर कहते हैं, या हमारे फेशियल सूचर बन गए। दिस इज अवर फेशियल सूचर, दिस इज अवर फेशियल सूचर, फेशियल सूचर। उसके बाद हमारे दोनों फ्री चीक्स का, इस वाले साइड के फ्री चीक्स पर भी, इस वाले साइड के फ्री चीक्स पर भी कुछ आई पाए जाते हैं। दिस इज अवर आई, फ्री चीक्स। सो दिस वाज सम इंपॉर्टेंट फीचर रिगार्डिंग द हेड पोर्शन ऑफ सेफेलॉन। नाउ आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजीज ऑफ थोरेक्स, दैट इज द मेन बॉडी सेक्शन। थोरेक्स, अब मैं डिस्कस करूंगा थोरेक्स के बारे में। थोरेक्स, थोरेक्स, थोरेक्स हमारा पूरा सेक्शन थोरेक्स है, मीन्स कुछ सेगमेंट्स का बनी है। ये 2 और 42 सेगमेंट्स के बनी हुई, मीन्स ये 2 से लेकर 42 सेगमेंट्स की बनी हुई ये थोरेक्स, मेन बॉडी पार्ट थोरेक्स। और यही सेगमेंट्स मूवेबल, मैंने पहले ही बताया सेफेलॉन और पाइजीडियम की सेगमेंट्स फिक्स रहते, मूवेबल नहीं, जबकि थोरेक्स के सेगमेंट्स मूवेबल, एक दूसरे के ऊपर मूव होते हैं, क्योंकि ये 2 और 42 सेगमेंट्स से बनी है लेकिन मूवेबल, इनकी सेगमेंट्स मूवेबल। थोरेक्स की बात करो, अब यही सेगमेंट्स डिवाइड हुआ है, सेगमेंट्स को डिवाइड किया गया, कुछ मीडियन एक्सिस या लेटरल पार्ट्स में, इन्हीं लेटरल पार्ट्स को हम प्लूरा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी पूरी बॉडी पार्ट को हम थोरेक्स कहते हैं। अब ये डिवाइड हुआ है, वन इज मीडियन एक्सिस, अनदर इज लेटरल पार्ट, लेटरल पार्ट को प्लूरा कहते हैं। मीडियन पार्ट, इस बीच वाले पोर्शन को जो गैलेमिला के कॉन्टिन्यूशन से बनती है, हम इनको मीडियन एक्सिस कहते हैं। ये मीडियन एक्सिस रहा, फॉर एग्जाम्पल एक्सियल लोब, इसको हम मीडियन एक्सिस भी कहते हैं, मीडियन एक्सिस। और साइड वाले पोर्शन जो चीक्स की कंटिन्यूशन से बनती है, उनको लेटरल पार्ट और प्लूरा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल लोब, ये प्लूरल पार्ट, ये प्लूरल पार्ट। लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस। So, इस मीडियन पार्ट और मीडियन एक्सिस को इन लेटरल पार्ट ऑफ प्लूरा से जिस पोर्शन से डिवाइड करते हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल परोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वाले पोर्शन को हम लॉन्गिट्यूडनल परोस कहते हैं, क्योंकि बीच वाले मीडियन सेक्शन को प्लूरल सेक्शन या लेटरल सेक्शन से डिवाइड करते हैं। सो इस वाले सेक्शन को, जो इस बीच वाले मीडियन सेक्शन को डिवाइड करते हैं प्लूरल और लेटरल वाले सेक्शन से, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल परोस कहते हैं। After that, pleural sepal. अब हमारे इस pleural lobe या pleura के terminal parts, for example ये pleura के terminal parts, ये सब terminal parts है, pleura के terminal parts. ये terminal parts rounded भी हो सकता है structure में, या pleural span पीकेड स्ट्रक्चर भी हो सके। अगर राउंडेड हो तो कुछ एंगल बना तो इसी को हम प्लूरल एंगल कहा जाता है, या अगर राउंडेड नहीं होगा तो कुछ प्लूरल स्पाइन हम कहते हैं, कुछ पॉइंटेड स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल ये हमारी प्लूरल
पार्ट्स की, लेटरल पार्ट्स के टर्मिनल सेक्शंस को हम राउंडेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं या कुछ पॉइंटेड पीक्स की फॉर्म में भी, जिसको हम प्लूरल से कहते हैं, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ प्लूरा. सो दिस वाज सम इंपॉर्टेंट फीचर रिगार्डिंग थोरेक्स एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द लास्ट पोर्शन और टेल सेगमेंट दैट इज नोन एज पाइजीडियम. अब मैं डिस्कस करूंगा पाइजीडियम को. पाइजीडियम थर्ड वन, मैंने पहले हमारी ट्राइलोबीटा की बॉडी ट्रांसवर डिवीजन में थ्री इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स में डिवाइड है. नंबर वन इज सेपेलोम, दैट इज द हेड पोर्शन. नंबर सेकंड इज थोरेक्स, दैट इज द बॉडी पोर्शन. द लास्ट वन इज पाइजीडियम और टेल सेगमेंट. अब हम डिस्कस करते हैं इस टेल सेगमेंट पाइजीडियम के बारे में. टेल ऑफ ट्राइलोबीटा, ट्राइलोबीटा की टेल सेगमेंट को पाइजीडियम कहते हैं. हैव मेंशनड अर्लियर ये सेगमेंट से बनी हुई है 3 to 6 सेगमेंट जो कि फ्यूज्ड एंड इमूवेबल, फ्यूज्ड एंड इमूवेबल. सेफेलोम, थोरेक्स, पाइजीडियम तीनों सेगमेंट से बनी है, जबकि सेफेलोम और पाइजीडियम की सेगमेंट फ्यूज मींस इमूवेबल, जबकि थोरेक्स की सेगमेंट फ्रीली मूवेबल. अब थोरेक्स की फॉर्म में हमने बताया कि 2 to 46 सेगमेंट से बनी हुई है, जबकि सेफेलोम ओनली 3 सेगमेंट से बनी हुई है, जबकि पाइजीडियम 3 to 6 सेगमेंट से बनी हुई है जो कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड और इमोवेबल. इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पाइजीडियम. आफ्टर दैट इसी पाइजीडियम की सेगमेंट्स को भी डिवाइड किया गया है, पाइजीडियम की सेगमेंट्स को डिवाइड किया गया एक्सिस पोर्शन और प्लूरल पोर्शन, सेगमेंट्स को डिवाइड किया गया सेगमेंट्स को. एक्सिस पोर्शन, प्लूरल पोर्शन, एक्सिस पोर्शन उस पोर्शन को कहते हैं जो एक्सियल लूप की कंटिन्यूएशन से बनती है. और हम इस वाले पोर्शन को हम एक्सिस पोर्शन को होते हैं मेन मीडियम पोर्शन, जबकि प्लूरल पोर्शन जो प्लूरल लूप की कंटिन्यूएशन से बनती है, इस वाले पोर्शन को जो प्लूरल लूप की कंटिन्यूएशन से बनती है प्लूरल पोर्शन के, जबकि मेन एक्सियल लोब या एक्सिस और मीडियम पार्ट की कंटिन्यूएशन से बनती है, इसको हम एक्सिस पोर्शन कहते हैं. और एक इंपॉर्टेंट पार्ट, पाइजीडियम की क्या फंक्शन है, प्रोपेलर का काम करते हैं. प्रोपेलर, पाइजीडियम ट्राइलोबीटा को प्रोपेलर का काम करते हैं. जब मरीन कंडीशन में स्विम करते हैं, स्विमिंग के दौरान ये इसको पुशअप या प्रोपेलर के काम करते हैं. दिस पाइजीडियम की बात कर. एंड आफ्टर दैट इट टेल्स एनल सेगमेंट, सबसे लास्ट सेक्शन को, इस सेक्शन को हम टेल सन भी कहते हैं या एनल सेक्शन कहते हैं. दिस इज अवर टेल सन, टेल सन पाइजीडियम के बारे. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी था ट्राइलोबीटा के बारे में, जिसको हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया. बॉडी सेक्शन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया और अमंग देम ट्रांसवर्स सेक्शन में जो डिवाइड किया सेफेलोम थोरेक्स में, उसको हमने डिटेल में स्टडी भी किया. सो आफ्टर मॉर्फोलॉजी आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइलोबीटा. जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एज,
membrane to permeate. That means restricted to Paleozoic. प्रीवियस क्लासेस में जब मैंने डिस्कस किया था फाइला मोलस्का को, उसमें बार बार एक चीज हमने रिपीट की थी, इसकी एज केम्ब्रियन से लेकर प्रेजेंट डे तक है. दैट मीन्स हमारे पास मोलस्का फॉसिल फॉर्म में भी अवेलेबल है डिफरेंट सेडिमेंट्री एनवायरनमेंट और लिविंग फॉर्म में भी अवेलेबल है. जबकि एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर यह हो रहा है ट्राइलोबीटा के केस में, इसकी एज केम्ब्रियन से लेकर परमियन तक मीन्स पैलियोज़ोइक पीरियड तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, पैलियोज़ोइक एरा तक ही रिस्ट्रिक्टेड. फॉर एग्जांपल केम्ब्रियन ऑर्डोवेशियन सिल्यूरियन डिवोन एंड कार्बोनिफरस परमियन. केम्ब्रियन से इसकी लाइफ शुरू हुई और परमियन में इसकी लाइफ खत्म हुई. अब परमियन के बाद वाली सेडिमेंट्री सक्सेशन से सेडिमेंट्री इनवायरमेंट में या परमियन के बाद जो सेडिमेंट्री बेड्स डेवलप हुआ है उसमें ट्राइलोबेटा की प्रेजेंस ओनली रिस्ट्रिक्टेड पैलियोज़ोइक. दैट मींस ट्राइलोबेटा पैलियोज़ोइक जियोलॉजिकल टाइम स्केल के पैलियोज़ोइक एरा में ही ओरिजिन हुआ और इसी पैलियोज़ोइक के एंड होते होते इसकी एक्सटिंक्ट भी हुई. सो ट्राइलोबेटा आज की फॉर्म में प्रेजेंट डे में लिविंग फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फॉसिल फॉर्म ही अवेलेबल है जो कि पैलियोज़ोइक में अवेलेबल है. उसके बाद एक बेंथोनिक एनिमल है, बेंथोनिक एनिमल था ट्राइलोबेटा. बेंथोनिक एनिमल मींस बेंथोनिक जोन में अवेलेबल था, ओशंस की बॉटम वाले जोन में अवेलेबल था, उसी ओशन की बॉटम वाले सेक्शन में क्रैप्ट और स्विमिंग करता था. एज अ सोर्स ऑफ फूड डेप्री सोर्स वाले ऑर्गेनिज्म को खाता था, सुमार ऑर्गेनिज्म और डेब्रिस को खाते. अगेन रिपीटिंग ओनली पैलियोज़ोइक पीरियड में ही ट्राइलोबेटा एग्जिस्ट रहा, उसके बाद एक्सटिंक्ट फॉर्म माने जाते मींस आफ्टर पैलियोज़ोइक ट्राइलोबेटा लिविंग फॉर्म है आजकल अवेलेबल नहीं. उसके बाद बेंथोनिक ओशंस किस बॉटम पे अवेलेबल, वहां पर कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म और डेब्रिस मड डेब्रिस और स्मॉल ऑर्गेनिज्म को वही ट्राइलोबेटा एज अ फूड सोर्स यूज करता था. सो दिस वॉज सम इम्पोर्टेंट मॉर्फोलॉजी एंड जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास ट्राइलोबेटा. थैंक यू वेरी मच.